केंद्र सरकार के द्वारा जनधन योजना के तहत हर ग्राम पंचायत में सभी का खाता खुलवाया गया था। इसके तहत ग्रामवासियों के खाते में केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं का सीधा पैसा खाते में ट्रांसफर किया जा सके और हितग्राहियों को यहाँ वहाँ सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने से मुक्ति मिल सके। लेकिन ग्रामीणों को इससे फायदा नहीं बल्कि बैंक का कई बार चक्कर लगाना पड़ रहा है, साथ ही लंबी लाइन में पूरे दिन भीषण गर्मी में बिताना पड़ रहा है, जिससे जहां स्वास्थ्य को लेकर नुकसान हो रहा है वहीं अन्य कार्य भी हितग्राही नहीं कर पा रहे हैं और पूरा पूरा दिन बैंकों के चक्कर में ही निकल जा रहा है। KYC करवाने और आधार लिंक, क्या दिक्कत है? पैसा नहीं आ रहा है उतना। मैं 9 बजे के आके खड़ा हूँ, 3 बार चक्कर चक्कर लगा, मैं बाहर निकल गई। कार का खोलना है तो खोले और नहीं तो बंद करे, बंद करे नहीं है दिक्कत, बंद हो जाएगी तो हम लोग कहाँ से आएंगे, आवे नहीं करेंगे। आज कम से कम 6 दिन हो गए आते आते, ना पानी का सुविधा है ना पंखा का सुविधा है, मर रहे हैं लाइन बाई लाइन, क्या करेंगे भाई। आधार लिंक करवाने आए हैं, अब यहाँ भीड़ लगा हुआ है, भीड़ खत्म नहीं हो रहा है, हम वहाँ जा नहीं पा रहे हैं, ना कोई काम मेरा हो नहीं रहा है। 1200 रुपया मेरा खर्चा हुआ है, 5 बार में 1200 खर्चा हुआ है, अब हम परेशान हैं। ऐसा बैंक से बल्कि हमारा खाता को बड़ी बैंक में कर देता है, छोटा सा पंजाब बैंक है तो वहाँ से हम लोग कर लेते। गांव में हमारा खाता खुला था, वहाँ कैसे कैसे उठा के ले लाया यहाँ, अब यहाँ ले आए तो कमवा करेंगे तब ना, सब तो वहाँ बैठे हैं, वो अपना उधर उठ के जा रहा है तो उधर जा रहा है तो वो थोड़ा आराम कर रहा है, वैसे में काम होगा। पब्लिक आ है उन्हों का एक तरफ से भी काम करेंगे तो चलो 4 दिन में कितना काम हो जाएगा। आप ही के रूबरू खड़ा है, बोल रहे हैं तो जरूर तो यही बात है। आधार कार्ड लिंक कराने आए हैं, कुल मिला के लापरवाही तो भाई बैंक मैनेजर वगैरह ना कर रहे हैं, अब यहाँ का अधिकारी वो है तो उन्हीं को ना कहेंगे, और नहीं तो शासन का लापरवाही है। कुछ ऐसा ही हाल बलरामपुर के पंजाब नेशनल बैंक का, जहां सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण रोजाना आते हैं और ग्रामीणों के KYC आधार लिंक जैसे काम नहीं हो पा रहे हैं, ग्रामीण बैंक पर बार बार चक्कर लगाने को मजबूर है। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि यहां गर्मी में ना पानी की व्यवस्था ना छांव की व्यवस्था है, जिससे हम पूरे दिन धूप में रहने को मजबूर रहते हैं। हम आपको बता दें कि ग्रामीणों का खाता खुलवाए काफी दिन बीत चुके हैं, इसके बावजूद KYC नहीं हुआ है, जिसके कारण पंजाब नेशनल बैंक बलरामपुर में ग्रामीणों की भीड़ उमड़ रही है। दूर दराज से आई महिलाएं एवं बुजुर्ग महिलाएं छोटे छोटे बच्चे लेकर परेशान नजर आ रहे हैं, प्रशासन कोई भी ठोस कदम नहीं उठा रहा है। अभी इस विषय पे अभी हम लोग PNB के शाखा प्रबंधक रविंदर तिवारी जी से बातचीत हुई है कि इसकी समुचित व्यवस्था की जाए, तो भीड़ को देखते हुए, भीड़ बैंक की कैपेसिटी 400-500 है और भीड़ ज्यादा आ जा रही, तो हम लोग ने वो एक फैसला लिया प्रबंधक महोदय के साथ कि कल से टोकन सिस्टम्स शुरू करेंगे, मतलब पब्लिक को ज्यादा खड़ा नहीं रहना पड़े, इंतजार कर उनका फॉर्म लेके टोकन दे देंगे कि आपका आज हो जाएगा या आपका आज नहीं हो पाएगा तो दूसरे दिन हो जाएगा, ताकि उनको एक बहुत ज्यादा लंबा इंतजार नहीं करना पड़े और खड़ा नहीं रहना पड़े। और ये भी हम लोग ने ये ख्याल रखा है कल से थोड़ा सा टेंट वहां लगा दे, धूप हो तो धूप से छाव मिले, पानी की व्यवस्था बढ़ा दी जाए, बैठने की व्यवस्था बढ़ा दिया जाए, और एक दो हम लोग मांग करेंगे जिला प्रशासन से कि होमगार्ड वगैरह भी रहे ताकि समुचित व्यवस्था कराए, तो कल से ये प्रबंधक महोदय द्वारा वहां शुरू कर दी जाए, टोकनाइज सिस्टम शुरू हो जाएगी ताकि लोगों को राहत मिले, इंतजार कम करना पड़े। हालांकि इस पूरे मामले को जिला प्रशासन के संज्ञान में भी लिया गया है, अब देखना है कि जिला प्रशासन इस पूरे मामले में क्या पहल करती है। हमें चुनाव प्रारंभ होने के पहले ब्लॉक स्तर पर कैंप भी लगाया था, बैंक की ओर से लगाया गया था, और अभी पिछले सप्ताह भी हमने लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को भी संबंध अवगत कराया है कि शीघ्र अमला बढ़ाएं और उसका समर्थन कराएं। प्रकाश फूल सजावट केंद्र, जहां आपको फ्लावर डेकोरेशन, वेडिंग डेकोरेशन और कैटरिंग की सभी सुविधाएं मिलती है, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।